क्यों रही है? तीनों दुष्ट अब भी मेरी संतान के पीछे हैं। अवश्य कोई मायावी द्वार है जिसे हम भेद नहीं सकते। कोई और मार्ग खोजना होगा उन शक्ति पुंजों तक पहुंचने का। ऐसी कोई माया नहीं भ्राता जिसे हम तीनों की शक्तियां मिलकर भेद ना सके। नहीं निशुम, मुझे शंका है कि देवताओं ने यहाँ हमारे लिए कोई जाल बिछाया रखा होगा। इस ऊर्जा पूंज को हम मृत समझते रहे, वो तो 6 भागों में बचकर भी नहीं मरा। ये महाकाल और महाकाली का अंश है। सावधानी से आगे बढ़ना होगा। चले चित्र मायावी स्थान है ये, परंतु मुझे अपनी संतान तक पहुंचना होगा और संसार की कोई भी माया एक माता को उसकी संतान तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ये लोग भिन्न है देवी लक्ष्मी, एक विचित्र ऊर्जा का अनुभव हो रहा है यहाँ।
पार्वती कृतिका लोक में प्रवेश कर चुकी है महादेव, जहां जो उसे सूचना मिलने वाली है, कहीं वो मेरी बहन पर एक और आघात सिद्ध ना। हम हस्तक्षेप कर सकते हैं नारायण, किंतु ये चयन केवल पार्वती का है। देवी, चमत्कार। इन्हें शांत करने के लिए हमें इतना परिश्रम करना पड़ता है, पर आपकी गोद में आके कैसे खिलखिला उठे हैं ये? ये कैसी माया है? ये माया नहीं, मातृत्व की शक्ति है। माता और संतान का संबंध हर माया से परे होता है। ना कोई शब्द, न वचन, न मंत्र, आवश्यकता होती है तो केवल भावना की। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने मेरी ममता, मेरी संतानों का रक्षण किया। आपकी संतान? आपको भ्रम हुआ है देवी, ये सब हमारी संतान है। महादेव, कहीं मातृत्व की रक्षा के लिए माताओं में ही संग्राम ना हो जाए। माता को भ्रम नहीं हो सकता, ये मेरी संतानें हैं, इन्हें मैंने सृजित किया है, इसलिए अब मैं इन्हें अपने साथ लेने आई हूं। बस देवी, आपका सम्मान करने का अर्थ ये नहीं
कि हम आपको हमारे प्राण यहां से ले जाने देंगे। ये छह हमारी संतानें हम इन्हें यहां से नहीं ले जाने देंगी। विचार कीजिए देवी, इस अनजाने लोक में अपनी संतान की ऊर्जा का अनुभव करते हुए मैं यहां तक पहुंची, कि मेरी ममता की ही पुकार है। इसने इन्हें मुझे यहां से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। सावधान देवी, ये सब हमारी संतानें हैं, और यदि इन्हें हमसे छीनने का प्रयास किया तो हमें वो करना होगा जो हम करना नहीं चाहते। देखिए, मैं आप सबकी कृतज्ञ हूं कि आपने मेरी संतान का रक्षण किया, परंतु ये मेरी संतानें हैं और मेरे साथ ही जाएंगी। ना ये संतानें जाएगी, ना तुम देवी। तुम्हारी इस भूल को क्षमा करती हूं, क्योंकि तुमने मेरी संतान का रक्षण किया, परंतु यदि मेरी ममता को ललकारा तो परिणाम की उत्तरदायी आप सब स्वयं होंगी। पार्वती, पार्वती ये कृतिका लोक है और ये सब आकाशीय कृतिकाएं अपने प्रकाश की भांति ये दिव्य और पवित्र है। इसी कारण से यहां कोई नकारात्मक ऊर्जा या असुर प्रवेश नहीं कर सकता। और कृतिकाओं, ये पार्वती शिव की शक्ति, महादेव की महादेवी और महाकाल की महाकाली। जब दो लोग एक ही प्रयोजन के लिए कार्य कर रहे हों तो उन्हें आपस में द्वंद्व नहीं करना चाहिए। क्षमा कीजिए जगत माता, परंतु इन बालकों के अंग की हमने रक्षा की है। ये सब हमारे अंग कब बन गए हमें ज्ञात ही नहीं हुआ। अगर आपने हमें इनसे दूर किया तो हमारे प्राण ही चले जाएंगे। मैं मानती हूँ आप इनकी माता है, परंतु जन्म देने वाले से तो पालने वाला बड़ा होता है ना। महादेव, आप ही बताइए इन बालकों पर किसका अधिकार? अभी कुछ समय पूर्व ही किसी ने मुझे इस बात का अनुभव कराया कि मां की पीड़ा को त्रिदेव भी नहीं जान सकते। तो इस समस्या का समाधान जगत जननी पार्वती ही करेगी।